प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समूचे राष्ट्र की तरफ से बाबा केदारनाथ धाम पहुंचकर आज छठी बार बतौर प्रधानमंत्री भगवान का रुद्राभिषेक करेंगे और कार्याभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री बाबा केदारनाथ के धाम में। महाद्रि पार्श्वे चतटे रमंतम संपूज्यमानम सततम मुनीन्द्रय सुरा सुरैरक्ष महोर गाद्यय केदार मीशम शिवमेक मीडे। बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंचकर भगवान के स्तुति करने के लिए पहुंचे हैं, आराधना करने के लिए पहुंचे हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर भारत को जगत गुरु बनाने के लिए अहर्निश प्रयासरत हैं, अहर्निश प्रतिबद्ध हैं, पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ के धाम में। असाधारण, अद्भुत और अलौकिक धाम है, अकल्पनीय रूप से इसका विस्तार किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है, पुनर्विस्तार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि भगवान शंकर के इस धाम को पुनर्विस्तार देने की कामना साल 2013 में जब यहां पर जल प्रलय सरी की स्थिति आई थी तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में था। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं गणमान्य व्यक्तियों का, श्री बद्री केदारनाथ धाम के लोगों का, यहाँ के वेद पाठकों का, यहाँ के आचार्यों का, यहाँ के मनीषियों का, और उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेद मंत्र की पंक्तियों से और साथ ही साथ वेदोच्चारण से। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ के धाम में। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय नमः शिवाय। हमारे साथ केदारनाथ धाम के वेद पाठक पंडित मृत्युंजय हरिओम जी हैं यहाँ पर। किस रूप में रुद्राभिषेक होता है आप बताएं, और साथ ही साथ किस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वार पर पहुंच गए हैं और श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं आदि योगी के दरबार में। गले ते शोभन्ते भुजगपति माला सुरुचिरा ललाटे भूतिमां मति विमल रेखा द्युतियुता जटा मध्ये गंगा नदति लसिता षोडशकला भजामस्त्वां शंभो गुणगण निधानम गिरीशयम। आज प्रधानमंत्री महोदय भगवान केदारनाथ जी के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना लेके आए हैं और आज वो भगवान केदारनाथ जी के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक पूजन करेंगे। इस कलिकाल में भगवान शंकर को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय रुद्राभिषेक बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भगवान शंकर के प्रति उनकी अगाध आस्था है, अटूट आस्था है। आदियोगी के लिए कर्मयोगी यहाँ पर रुद्राभिषेक करने पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के धाम पहुंचे और ये 6ठी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री तो काल के पहले भी प्रधानमंत्री कई बार यहाँ पर रहे, गरुड़ चट्टी में उन्होंने साधना भी की और बाबा के प्रति अगाध अटूट आस्था है कि वो बार बार यहाँ के धाम पर पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई 2017 को बाबा के धाम पहुँचे, 20 अक्टूबर 2017 को बाबा के धाम पहुँचे, 7 नवंबर 2018 को बाबा के धाम पहुँचे, 18 मई 2019 और फिर गत वर्ष 5 नवंबर 2021 को केदारपुरी पहुँचे। भगवान शंकर के इस धाम को महिमा एवं गरिमा के रूप में सुसज्जित, व्यवस्थित और इसका पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार करने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में सदैव रही।
साल 2013 में यहाँ जब जल प्रलय सरीखी स्थिति आई, जब आपदा आई जो कि देश के भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ लाटे
विकलता स्मृता चे साठे प्रेधो घटिकटे हाटकमये भजामि त्वां गौरे नगपति किशोरे महिरदा सर्वा बाधा विनमुक्तो धनराशि च मनुष्य मनसादेन भविष्यतेन संशया वंदना
जय हो भगवान। आपको ऐसी शक्ति बिल्कुल भक्ति देते महादेव। एक बार हमारे देश का जय तीर्थाने प्रचरन्ते सिरासाणि खण्डनानि पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो च वेदादि फलं ददाति तं सर्व पापक्षय हेतुभूतां प्रदेशां ते पर्यदास्तमामि। नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि कारुण्याकरं भवस्य भयंकरं वापि सदा नमामि। नमामि दातारं वेषितानां नमामि सोमे सौमे समादो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। परमापति महावीर महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै सुरासुरै यक्षमहोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। जो भगवान शंकर पर्वतराज हिमालय के समीप मंदाकिनी के तट पर स्थित केदारखंड नामक श्रृंग में निवास करते हैं। मुनीश्वरों द्वारा हमेशा पूजित हैं। देवता यक्ष किन्नर नाग जिनकी हमेशा पूजा करते हैं उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ नामक शिव की मैं स्तुति करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि योगी के स्तुति करने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए धाम में पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान शंकर के वाहन नंदी को प्रणाम करते हुए और विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की।
एक जननायक के रूप में, एक कर्तव्य परायण प्रधानमंत्री के रूप में, एक धर्म परायण राष्ट्र सेवक के रूप में श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं श्री केदारनाथ धाम में राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वास्तव में सनातन संस्कृति के नए उत्कर्ष का यह संक्रांति काल है, वास्तव में सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है, ये सांस्कृतिक जय यात्रा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहर्निश जारी है। और जब इस विशिष्ट धामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो राष्ट्र कल्याण की कामना मन में होती है, विश्व कल्याण की कामना मन में होती है, और कामना ये भी होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और निश्चित तौर से वो भावना भी बलवती होती है जिसमें कहा गया है कि अजय्याम च विश्वस्वदेहि सशक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत्, श्रुतम चैव यत्कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारेत। हे प्रभु, हमें ऐसे शक्ति दे जिसे विश्व में कभी कोई चुनौती हमें न दे सके। हे प्रभु, हमें ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो जाए। हे प्रभु, हमें ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग को भी सुगम कर दे। ये भावना भी यहां आकर बलवती होती है, राष्ट्र निर्माण की कामना यहां पर और ज्यादा गाढ़ी होती है, संकल्प से सिद्धि का जो मंत्र है वो यहां पर और मजबूत होता है, दृढ़ होता है, नई ऊर्जा से ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री यहां से अभिभूत होकर राष्ट्र निर्माण में अहर्निश प्राण प्रण से जुट जाते हैं। और इसी क्रम में आज छठी बार पहुंचे हैं श्री केदारनाथ धाम। भगवान के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर अपने उस संकल्प की सिद्धि का भी प्रमाण, साक्षात प्रमाण दिया है। जब साल 2013 की आपदा के बाद उन्होंने पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार की जो कामना की थी और जो उन्होंने कहा था उसे करने के लिए, जो राजनीतिक कारणों से तत्कालीन सरकारों द्वारा नहीं माना गया, लेकिन बाबा को ये शायद निश्चित कर रखा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें बाबा के इस धाम के विस्तार का, पुनर्विस्तार का, पुनर्निर्माण का, रूपांतरण का, कायांतरण का मौका मिलेगा और वो साक्षात परिलक्षित होता है इस दिव्य धाम में पहुंचकर। छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचे हैं राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पहुंचकर वो भावना भी बलवती होती है जिसमें हम कहते हैं कि समुत्कर्ष निःश्रेयस्यैष मुग्रम परम साधनम नाम वीरव्रतम तदंतः स्फुरक्षत्वयाध्येय निष्ठा हृदंतः प्रजागर्तु तीव्रानिशम। हे प्रभु, उस वीरव्रती भावना हम में स्फूर्ति होती रहे जो उच्चतम आध्यात्मिक सुख एवं महानतम ऐहिक समृद्धि प्राप्त करने का एकमेव श्रेष्ठतम साधन है, और साथ ही साथ जो तीव्र और अखंड ध्येय निष्ठा हमारे अंतःकरण को सदैव जगाती रहे। वो तीव्र ध्येय निष्ठा यहां आकर और प्रगाढ़ होती है, वो तीव्र ध्येय निष्ठा यहां आकर और ज्यादा प्रज्वलित होती है, और ज्यादा प्राण प्रण से राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए उस भावना को और बलवती करती है। अगर साल 2013 की बात करें, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम की प्राकृतिक भीषण आपदा के बाद पुनर्निर्माण की बात कही, उसमें तकरीबन अगर आंकड़ों की बात करें तो 6000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे, हजारों लोग मारे गए थे, 4200 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया था, 991 अलग अलग जगहों पर लोगों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मृत्यु हुई थी, 11000 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बह गए थे, 1309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में तबाह हो गई थी, 2141 भवनों के नामो निशान मिट गए थे, 100 से ज्यादा छोटे मोटे होटल ध्वस्त हो गए थे, और बीच में पड़ने वाला गौरीकुंड से ये मार्ग में रामबाड़ का इलाका पूरी तरह विलीन हो गया था, जलप्रलय सरी की स्थिति थी। लेकिन उस समय जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा और जो उन्होंने बाबा के धाम की और राष्ट्र निर्माण की जो उनकी भावना थी वो यहाँ पर आकर साकार हो रही है। अब केदारनाथ धाम एक दिव्य भव्य
नव्य धाम के रूप में विकसित हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं यहां पर। रुद्राभिषेक उन्होंने किया है और अब वो कार्याभिषेक भी करेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर उपस्थित जन समुदाय का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग अपने जनप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं बाबा के धाम में पूजा अर्चना करने के लिए। और ऐसा भी अद्भुत संयोग जब वहां इनके जननायक भी मौजूद हैं बाबा के दरबार में रुद्राभिषेक और कार्याभिषेक करने के लिए, तो यह अद्भुत संयोग बनता है। जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी। इस समय नर नारायण की पूजा के बाद नर नारायण स्वरूप में देश की जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जो कि एक झलक पाने के लिए यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है श्री केदारनाथ धाम। श्री केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो इसके पुनर्निर्माण, पुनर्विस्तार, रूपांतरण और कायांतरण की हर निश प्रक्रिया लगातार जारी है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदारूढ़ होने के बाद अगर देखें तो इस पूरी के पूरी परियोजना में अब तक पहले फेज का काम पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्भुत छटा का अवलोकन कर रहे हैं। बेहद विहंगम दृश्य है, अतुलनीय और अलौकिक, आध्यात्मिक, अकल्पनीय और अविश्वसनीय छटा है इस पूरे केदारनाथ धाम की, जो कि मेरु और सुमेर पर्वतों के बीच में केदार घाटी में बाबा का दिव्य धाम है। जो यहाँ पर स्थायी निर्माण कार्य किए गए हैं, जो यहाँ पर पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार का कार्य किया गया है, उसकी जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ श्री बद्री केदारनाथ धाम से संबंधित अधिकारीगण, उत्तराखंड के राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बद्री केदारनाथ धाम के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से रूपांतरण और कायांतरण हुआ है इस पूरे धाम का। इस दिव्य धाम की अगर बात करें तो पहले चरण के परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है और पूरी परियोजना साल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आज भगवान शिव शंकर के महादेव के रुद्राभिषेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्याभिषेक और कार्यांजलि भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अद्भुत उपहार देने जा रहे हैं श्रद्धालुओं को, अद्भुत उपहार देने जा रहे हैं साधकों को, जो कि यहां से गौरीकुंड से लेकर भगवान केदारनाथ के धाम तक के रोपवे निर्माण के लिए परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा रखी जा रही है। अभी यहाँ वायुमार्ग से आया जा सकता है, घोड़ों और खच्चरों के जरिए आया जा सकता है, पैदल आया जा सकता है। ये दूरी तकरीबन गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन जिस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये महत्वाकांक्षी परियोजना गौरीकुंड से 9.7 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस के जरिए एक रोपवे का निर्माण किया जाएगा और जिसको अगले वर्षों कुछ 5-6 वर्षों में परिपूर्ण कर लिया जाएगा, संपूर्ण कर लिया जाएगा और अद्भुत होगा यह अनुभव भी बाबा के धाम में श्रद्धालुओं और साधकों के आने पर, ये बेहद ही यातायात को सुगम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोपवे, जो कि रोपवे गौरीकुंड से लेकर श्री केदारनाथ धाम तक का जो निर्माण किया जाएगा और जिसकी दूरी 9.7 किलोमीटर होगी, एरियल डिस्टेंस जो होगा उसका उन्होंने आधारशिला रखी है और अगले 6 वर्षों में ये पूरी की पूरी परियोजना निश्चित तौर से पूर्ण कर ली जाएगी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान केदारनाथ धाम के परिसर में हुए विकास कार्यों का मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ वो जा रहे हैं भगवान जगतगुरु आदि शंकराचार्य की समाधि स्थली की तरफ। आदि शंकराचार्य की वो समाधि स्थली जो साल 2013 के जल प्रलय में पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। भगवान शंकर का अगर देखें तो भगवान शंकर ने, आदि गुरु शंकर ने चारों धामों की स्थापना करके भारत के भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एकीकरण का उन्होंने कार्य किया। बद्रीनाथ केदारनाथ धामों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों और पंडितों के संचालन की प्रक्रिया को शुरू करके उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच की सांस्कृतिक सेतु के निर्माण का भी कार्य किया। देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकीकरण और भौगोलिक सीमा का
चिन्हांकन और रूपांकन भी आद्य गुरु शंकराचार्य ने किया, और यही आदि गुरु शंकराचार्य की कर्मस्थली रही, तपस्थली रही और महासमाधि स्थली भी रही। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थली पर पहुंचे हैं, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। समूची ये समाधि नष्ट हो गई थी साल 2013 के महाप्रलय में, जल प्रलय में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में और उनके ही दिशा निर्देश में इस पूरे के पूरे समाधि स्थल को विकसित किया गया। भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण इससे पहले नवंबर 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने उसका लोकार्पण किया, शिवार्पण किया, विश्वार्पण किया, और अब आदि गुरु शंकराचार्य की उस समाधि स्थली के पुनर्जीवन के बाद, पुनर्स्थापना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थली में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। निश्चित तौर से अगर देखें तो कालखंड का, सनातन संस्कृति का कालखंड उन पलों का, उन क्षणों का भी, उन वर्षों का भी, उन शताब्दियों का भी गवाह रहा जब हमारी संस्कृति ही यहां से, सनातन संस्कृति समाप्त होने के कगार पर थी। लेकिन भगवान शंकर, आदि गुरु शंकराचार्य की महान कृपा और उनके शंकर दिग्विजय के द्वारा पुनर्स्थापना की गई सनातन संस्कृति की और भारत भारती की, भारत भारतीय पूरे सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है, जिन्होंने शंकर दिग्विजय के जरिए चारों मठों की स्थापना करके न केवल भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक भौगोलिक सीमा का चिन्हांकन किया, बल्कि भारत भूमि में रहने वाले भारत भारती के पुत्रों को उन्होंने सनातन संस्कृति के दिव्य अनुपालक के रूप में, उन्होंने सनातन संस्कृति के दिव्य दिव्य अनुपालक के रूप में उन्होंने, भगवान शंकर ने इस पूरे के पूरे सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का कार्य किया। अगर 7वीं-8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की तो वहीं एक कर्मयोगी के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पवित्र जल को अपनी आंखों से लगाकर वो अपने उस संकल्प को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण के और जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने अगर सनातन संस्कृति के सभी दिव्य स्तंभों की पुनर्स्थापना की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के अनेक प्रकाश स्तंभों को भी पुनर्स्थापित किया, उनका कायांतरण किया, चाहे वो सोमनाथ के मंदिर के विस्तार की बात हो, चाहे वो भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ में माँ गंगा को गंगाधर से मिलाने का पुनीत कार्य करने वाले काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर के शिवार्पण की बात हो, या फिर अभी चंद दिनों पहले महाकाल के दरबार में महाकाल लोक, महाकाल कॉरिडोर के शिवार्पण की बात हो, अनेक ऐसे अद्भुत दिव्य चिरस्थाई और काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में किए गए ऐसे कार्य हैं जो सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हैं, पुनर्व्याख्यायित करते हैं, सनातन संस्कृति को, भारत भारतीयता को विश्व के सामने नए रूप में, नए भारत के अभ्युदय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। और ये पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि अगर 7वीं-8वीं शताब्दी में, ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अगर 7वीं-8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना का कार्य किया शंकर दिग्विजय के जरिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांस्कृतिक जय यात्रा के जरिए देश के समस्त भारत भारतीयता के प्रतीकों, सनातन संस्कृति के प्रतीकों को दिव्य आध्यात्मिक और दिव्य धार्मिक और दिव्य भारत भारतीयता के प्रकाश स्तंभ के रूप में विस्तारित कर रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि हो रही है, आज पूरी दुनिया देख रही है कि वो भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो भारत जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः की बात करता है, वो भारत जो कि लोगों के कल्याण की बात करता है,
वो भारत जो कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये कामना करता है, वो भारत किस तरीके से नए भारत के रूप में पूरी दुनिया के सामने उसका अभ्युदय हो रहा है। चाहे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने की निष्ठा हो या फिर जगतगुरु भारत को विश्व के पटल पर स्थापित करने की कामना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रण से अपने सभी संकल्पों की सिद्धि में जुटे रहते हैं और इन्हीं संकल्पों को और दृढ़ता मिलती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं ऐसे धाम में, जो दिव्य धाम, जहां पर उन्होंने अपने पहले जीवन काल में जहां पर उन्होंने तप किया, तपस्या की, और साथ ही साथ अब राष्ट्र सेवक के रूप में, राष्ट्र निर्माण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवसर मिला है, पुनीत अवसर मिला है राष्ट्र निर्माण का। तो एक राष्ट्र सेवक के रूप में, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, एक धर्मपरायण रूप में, कर्तव्य परायण रूप में, सनातन संस्कृति के संवाहक रूप में, एक महानायक के रूप में, और सबसे बड़ी बात एक स्वप्नद्रष्टा के रूप में, एक साधक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदियोगी के इस पवित्र धाम में पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से 2013 की विभीषिका के बाद इस पवित्र धाम का रूपांतरण हुआ है, कायांतरण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, पुनर्विस्तार हुआ है। अगर देखें तो अब तक के पहले फेज की जो परियोजनाएं हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल निर्देशन में केदारनाथ धाम में पहले फेज के काम पूरे हो चुके हैं। चाहे वो तीर्थ पुरोहितों के आवास के निर्माण की बात हो, यहाँ पर उसको मूर्त रूप दिया जा चुका है, आस्था पथ का निर्माण और इस दिव्य धाम के चारों तरफ सुरक्षा के अभेद्य दीवार का निर्माण, केदारनाथ मंदिर से पैदल मार्ग और चबूतरे का निर्माण, केदारनाथ मंदिर परिसर के चौड़ीकरण का कार्य, केदारनाथ से गरुड़चट्टी तक पैदल मार्ग का निर्माण, सरस्वती नदी पर पुल बनकर तैयार किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आप अभेद्य दीवार सरीखा ये निर्माण देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री